साहब, मोहम्मद अफजल साई साहब, मोहम्मद अफजल साई साहब। राणा साहब भी बैठे ने यूसी दे चेयरमैन बत्तर बामनी वाले तो सड़क ते उन्हां दे पिंड जा ही रही है। जिस तरह 73 टिब्बी और करियां वाले जो गुजरनी है 72 जो नहीं गुजरेगी। और मैं उन्हां दे कोश गुजार करना चाहना कि राणा साहब दो हाई स्कूल बच्चियां दे चोट बंडाले तकरीबन नियर टू कंप्लीशन है, मुकम्मल होने वाला है या हो गया है। और दूसरा पेंट रंगल नंगल च भी असी हाई स्कूल बच्चियां दा देता। मोहम्मद अफजल साई साहब, मोहम्मद अफजल साई साहब, इलाके की खिदमत, इलाके की खिदमत। मेरे दोस्तों, आज ये सड़क दा असी इफ्तिताह करन आए हां। या पहले जड़े मनसूबियां दा मैं गैस वगैरह दा जिक्र कीता, किसी भी हलके इलाके जिले सूबे या मुल्क दी तरक्की दा दारोमदार सब तो पहले है कि उत्थे ज़राए आमदरफ्त बेहतर हो, सड़कां दा नेटवर्क बेहतर हो। दूसरा है कि उत्थे बिजली दी सहूलत मुहैया की जाए। तीसरा यह है कि उत्थे गैस की सहूलत मुहैया की जाए ताकि अगर किसी ने इंडस्ट्री वगैरह लगानी है सर अगे होनी ना इधर दी गुजर अगे ना लगे सहूलत मुयस्सर हो। मैं कहूंगा कि जिवें कंबोज साहब ने कहा, मेरे अजीज ने कि जी पूरे पंजाब च लोग कहंदे ने कि साई बरादरान ने बड़ा काम करवाया। पूरे पंजाब के लोग टिब्बी करियां वाला या बामनी वाला आके नहीं देखते कि इन्हां इस पिंड च की करवाया। क्यों लोग पंजाब के कहंदे ने कि साई बरादरान ने बड़े काम करवाए ने? वो इस वास्ते कहंदे ने कि उन्हां दे हलके इन्हां कम्मां तों महरूम ने। इस वास्ते कहंदे ने कि जो काम इन्हां करवाए ने वो किसी हलके च नहीं होए। मैं शहनशाह है तामीरात, शहनशाह है तामीरात। मैं मुखसरन दसांगा कि वो केड़े काम ने। पहली गुजारिश से मैं ये करांगा कि घट वाला टू शेखपुरा ड्यूल कैरेज वे रोड बनी है, जेडे खुड़िया वाले को गुजरती है। इस सड़क नू कमोबेश कुछ 17-18 साल का अरसा हो गया। जेडे बच्चे आज 16-17 साल के ने उन्हें नहीं पता कि ये सड़क कौन लैके आया सी। मैं तुहानू दोस्तों नू दसना चाहना कि ये सड़क उदों तुहाडा एक खादम मिनिस्टर CNW सी जदों इहदी मंजूरी हुई, और वजीर आला शहबाज शरीफ सन। ये 98 की गल है जब इस सड़क को मंजूर इसे हल्के गट वाले तो लैके गट वाले साड़ा हल्का स्टार्ट हुंदा साइया वाला इंटरचेंज तक 6 लेन रोड गई है जिदे 7 अरब रुपया खर्चा आया। तीसरी फैसलाबाद तो ड्राई पोर्ट तक ड्यूल कैरेज वे बन गई, वो साडा हल्का नहीं फैसलाबाद का आंदा है। ड्राई पोर्ट तो साइया वाला 90 लाख रुपया वो खर्चा आना है। ड्यूल कैरेज वे 90 करोड़ ये टेंडर हो गया है। कम मन करीब कसम भी दिन महीने शुरू हो जाए। मोहम्मद अफजल साई साहब, चौथा प्रोजेक्ट मोटरवे M3 पूरी अपने हल्के चो गुजरती है, अगे जा के डिस्ट्रिक्ट हाफसाबाद आंदा है, तहसील पिंडी पट्टिया। ये 4 मेगा प्रोजेक्ट जेड़े ये तुहाडे खादम की कोशिश की वजह नाल अल्लाह की जात ने कर्म किया ते इस हल्के च आए। 5वां बहुत देर पहले ये आज तो कोई 60-70-80 साल पहले ये रेलवे लाइन इत्थे बिछाई गई, वो भी अल्लाह ताला दे फजलो करम नाल इस हल्के चो गुजरती है। ये 5 मेगा प्रोजेक्ट जेड़े ने ये पूरे पाकिस्तान किसे हल्के
रोड की मद च या रेलवे लाइन की शक्ल च ये पांच किसी हल्के चो एम एल ए चो या एम पी ए चो नहीं गुजरते इस वास्ते लोग कहते दूसरा दोस्तों मैं ये गुजारिश करांगा कि जिमें मैं पहले कहन लगा सी फिर गल दूसरी तरफ चली गई कि किसी भी हल्के इलाके जिले की या सूबे की या मुल्कां दी तरक्की वास्ते सब तो पहला ज़राए आमदरफ्त उत्थे बेहतर हो बिजली होवे गैस होवे ताकि इंडस्ट्री वगैरह लगे ते मैं तुहानू दसना चाहना कि ये जिहड़े मैगा प्रोजेक्ट ने इन्हां दी वजह नाल ही मोटरवे बनी ते एशिया दा सब तो वड्डा प्रोजेक्ट इंडस्ट्री दा साइयां वाले लगना शुरू होया। ए रोड 24 फुटा रोड होंगी सी रोडा दे समुद्री भी 18 फुटियां जांदियां सन चंग भी जांदियां सन सरगोधे भी जांदियां सन लेकिन इंडस्ट्री फैसलबाद तो लग के शाहकोट तक इसे रोड से लगी जिहड़ी कोई कमी बेशी रह गई जदों ड्यूल कैरेज वे बनी तो उदों लगनी शुरू हो गई। मकसद यह है कि सिर्फ एक सड़क बनना अज ये हल्का होए कि जिथे ना बिजली की कमी है पिंडां च भी हर पिंड च हर इजाफी आबादी च बिजली की सहूलत दिती गई है जिवें चेयरमैन साहब ने ऐलान किया है कि 73 अरबी की इजाफी आबादी ममदपुरा जिहड़ा ये 2 महीने पहले मैं इत्थे आया सी फतेह खानी वास्ते ते दस गया सी कि ये मंजूर ये नहीं सी कहा कि मंजूर करवावांगे मैं कहा सी मंजूर हो गई है आबादी वालों दस दौ और मैं ये भी दसना चाहना कि उन्होंने ये भी दस दौ कि उन्हों की बिजली भी मंजूर हो गई है और वह भी मेरा ख्याल है या काम शुरू हो गया होगा या शुरू होने वाला होगा। साड़ी हद तो मकदूर कोशिश है कि हूँ जो असी NA 75 च निकलना है या PP 52 च निकलना है तो असी ऐलान कर सकी कि साडे हल्के कोई पिंड कोई इजाफी आबादी ऐसी नहीं जिथे बिजली ना हो या गैस ना हो कोई पिंड ऐसा नहीं जिथे सड़क ना हो और जिथे कोई सड़क टुटिया फुटिया ने उन्हां दियां असी क्योंकि 5 साल असी जाया किते पीपल पार्टी की हुकूमत आई तुहानू कोई काम नहीं नज़र आता जिहड़ियां सड़कां असी बनवाईयां अज ओह टुट फुट दियां शिकार ने। इसे यूनियन कौंसल की मैं मिसाल देंगा कि 76 आरपी के दोस्त बैठे ने उन्हां दी सड़क की मरम्मत हो रही है 74 लोकियां की सड़क की मरम्मत हो रही है 74 बंडाले की सड़क की मरम्मत हो रही है। ये मरम्मत इस वास्ते नहीं सी कराई कि ये साडे ज़हन सी कि ये कारपेट रोड मेन रोड है इनू कारपेट रोड तो इस तरह ही पूरे इलाके तुसी दोस्त जानते हो कि खुरड़िया वाले जिहड़ी सड़क साइयां वाले जांदी सी वह 10 फुटी सड़क सी ते 20 फुटी सी जदों मैं मिनिस्टर सी उदों ड्यूल कैरेज वे वो शुरू हुई उहदा कुछ पोर्शन हाले भी रहिंदा है क्योंकि पिछले 5 साल काम बंद रहा। शाहकोट टू सलार वाला चनोट वह भी 10 फुटी सी उहनू 20 फुट करवाया शाहकोट टू झुंबरा चनोट इनू 24 फुट करवाया जिहड़ियां सड़कां पुराने जमाने दियां इस हल्के जाण तो पहले दियां 10 फुटियां सन उन्होंने 20 फुट 30 फुट जिथे नहीं सन सड़कां उत्थे नवीं सड़कां बनाईयां जिहड़ियां टुटियां भज्जियां ने उन्हां दियां मरम्मतां कराईयां जिन्हां पिंडां च प्राइमरी स्कूल सन वह मिडल कराए जिथे मिडल सन वह हाई कराए क्योंकि बगैर तालीम तो भी कोई ना कोई खानदान ना कोई ज़िला ना कोई सूबा ना मुल्क तरक्की नहीं कर सकता और